हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रसोई की रौनक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कप सूजी से बहुत ही टेस्टी और हल्का फुल्का नाश्ता, जिसे आप बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी ली है। सूजी आप यहाँ बारीक वाली ले, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालकर थोड़ा सा पीस ले। तो हमने यहाँ एक कप सूजी ली है, जिसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब हम यहाँ कुछ चीजें ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ एक आलू ले लिया है, जिसे मैंने छील कर ले लिया है। इसे हम ग्रेट कर लेंगे। अब हमने आलू को ग्रेट करके ले लिया है और इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। तो इस तरह से हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस आलू को सूजी में डाल देंगे। आलू का हमने सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब हम यहाँ कुछ चीजें ऐड कर देंगे। हम इस नाश्ते को हल्का सा तीखा बनाने के लिए यहाँ पर 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। एक मैंने टमाटर ले लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर को भी हम डाल देंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट करके ले लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, हरे धनिया को मैंने बारीक काट लिया है। अब हम यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हमारे नाश्ते में हल्का सा खट्टा टेस्ट आए, इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ छाछ। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप ये छाछ ली है। अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें छाछ डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनने वाला है। बहुत ही कम चीजों के साथ हम इसे बनाकर रेडी करेंगे और आपको खाने में इसे बहुत ही मजा आएगा। तो आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर जरूर ट्राई करें। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो हमने इसमें लगभग 1/2 कप पानी डाला है, 1/2 कप ही हमने इसमें छाछ डाली है। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमें इसमें इतनी ही चीजें ऐड करनी है। अब ये जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डाल देंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/2 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छा फूला फूला सा बने। अब हम इसमें 1 चम्मच पानी डाल देंगे। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ बेकिंग सोडा की जगह इनो फ्रूट सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया है। तो हमारा बैटर कुछ इस तरह से है। अब हम चलते हैं इसे रेडी करने के लिए। अब हमने गैस में एक पैन रख दिया है। पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। इस तरह से तेल फैलाने से हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैंने यहाँ पर पैन लिया है, आप यहाँ पर तवा कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से राई डाल देंगे। चारों तरफ हमें इसमें फैलाना है। हमें राई को चारों तरफ डालना है ताकि हमारे नाश्ते में अच्छे से तड़का लग जाए। तो हमने राई को चारों तरफ डाल दिया है। थोड़े से हम यहाँ पर सफेद तिल भी डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो दिखने में सुंदर लगे। अब हम इसमें जो हमने बैटर रेडी करके रखा है वो डाल देंगे। बैटर डालते हुए इसे थोड़ा सा फैलाते जाएंगे। इसी तरह से हम सारा बैटर डाल देंगे। हमें बैटर को अच्छे से फैला लेना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो चारों तरफ से एक जैसा रहे। अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। अब हमने बैटर को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसमें थोड़े से राई के दाने फिर से छिड़क देंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा लगे। तो हम इस तरह से थोड़ी सी राई इसके ऊपर डाल देंगे। तो हमने इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी सी राई डाल दी है। थोड़ी सी सफेद तिल भी डाल देंगे। आप दोनों में से कोई एक चीज भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से पक जाए। हमारे नाश्ते को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता नीचे से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो इस तरह से हम ऑयल लगा लेंगे। तो मैंने इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है। मैंने यहाँ ब्रश से ऑयल लगाया है, आप चाहे तो चम्मच से भी यहाँ पर ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ऊपर से भी आप इस तरह से टच करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी हाथ को नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल अच्छे से नीचे से सिक गया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। तो मैं यहाँ इस तरह से प्लेट रख दूंगी और इस नाश्ते को पलट लूंगी। अब हमने इसे अच्छे से पलट लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर हमारे नाश्ते में आया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर हमारे नाश्ते में आ गया है, बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। अब हम इसे बिना ढके इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। लगभग हमारा नाश्ता पक गया है। अब हम नाश्ते को इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक लेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से पक जाए।
तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। और आप मेरा ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही कम तेल के साथ ये नाश्ता बनकर रेडी होता है और बहुत ही कम चीजों के साथ और बहुत ही जल्दी फटाफट से ये नाश्ता हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे, हमें इसे इससे ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसे इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने पहले निकाला था। तो हम इस तरह से इसे प्लेट में पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान नाश्ता बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा नाश्ता हमने बनाकर रेडी कर लिया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे पिज्जा शेप में कट किया है, आप अपने हिसाब से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फूला फूला टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, जिसे हमने बहुत ही कम टाइम में बनाया है, बहुत ही कम चीजों से बनाया है। तो आप इस मजेदार नाश्ते को टमाटो केचप और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप अगर इसे बिना चटनी के भी खाएंगे तो ये बहुत ही मजेदार नाश्ता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं। तो आपको आज की ये मजेदार रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।